मैंगलवा में जैन सेंसुरीश्वर उद्यापन उजमना महोत्सव के तहत हुआ आचार्यों का नगर प्रवेश। साइलाकुंड क्षेत्र के मैंगलवा कस्बे में श्रीमती मोहन देवी सावल संजी कुंदन मलजी बालगोता परिवार मैंगलवा द्वारा तपस्या अनुमोदनार्थ जैन सेंसुरीश्वर उद्यापन उजमना महोत्सव के तहत शुक्रवार को भांडपुर तीर्थोधारक आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज व आचार्य प्रदुमन विमल सुरेश्वर भाई महाराज सहित साधु साधुओं का मैंगलवा नगर में भव्य प्रवेश हुआ। नगर प्रवेश पर श्रीमती मोहन देवी सावल संजी कुंदन मलजी बालगोता परिवार की ओर से व जैन संघ द्वारा समया कर गाजा बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। नगर प्रवेश के दौरान जैन समाज के लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे तथा महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। वहीं युवा बैंड की धुनों पर थिरक रहे थे। इस दौरान गुरुदेव के जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग से सरोबार नजर आया। महोत्सव आयोजक परिवार के सदस्य समेत सैकड़ों श्रावक गए जयकारों में तलीन नजर आए। गुरुदेव जिनालय के दर्शन करते हुए जैन सुरेश्वर उद्यापन मंडप पर पहुंची, जहां पर आयोजक परिवार के संघ विपारसमल बालगोता आदि ने उद्यापन मंडप का उद्घाटन किया। उद्यापन को लेकर परिवार की ओर से आकर्षक मंडप का अस्थायी निर्माण कर उसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र में उपयोग आने वाली वस्तुओं का स्थापित किया गया है, जिसके दर्शनार्थ साधु साध्वी महाराज सहित अनेक भाई बहनों का पदार्पण हुआ। उद्यापन के उद्घाटन के बाद शोभा यात्रा जैन धर्मशाला में धर्मसभा के रूप में परिवर्तन हुई, जहां पर जैनाचार्य और मुनि भगवंत ने प्रवचन दिए। पुण्य कर्मों से मिलता है मनुष्य जीवन, जैनाचार्य श्रीमती मोहन देवी सावल संजी कुंदन मलजी बालगोता परिवार मैंगलवा द्वारा तपस्या अनुमोदनार्थ के तहत जैन सेंसुरेश्वर उद्यापन उजमना महोत्सव के तहत धर्मसभा का आयोजन हुआ। धर्मसभा में आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज ने प्रवचन में कहा कि इंसान केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि दान धर्म पुण्य और तपस्या से अमीर बनता है। मन की इच्छा पर संयम लाना ही तपस्या का मुख्य उद्देश्य है। जो लोग अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं वे तपस्या का आसन करें। जिन शासन का बखान करते हुए कहा कि भगवान महावीर द्वारा स्थापित शासन सभी के कल्याण मार्ग को प्रस्त करता है। इस दौरान आसपास क्षेत्र के कई श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहे। इस मौके पर पन्या जिनेन्द्र विजय महाराज, मुनिराज चारित्र रत्न विजय महाराज, मुनिराज निपुण रत्न विजय महाराज सहित साधु साध्वी महाराज व जैन समाज के लोग मौजूद रहे। चारित्र की आराधना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हमारे यहाँ तीर्थंकरों के जीवन के अंदर भी दर्शन ज्ञान चारित्र तप की अद्भुत आराधना देखने। Yeah.